हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इमेज का कोलाज बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एक का अरेंज करना, साइज मेंटेन करना, वो मुश्किल हो जाता है, टाइम टेकन हो जाता है। तो इसका एक सिंपल सा टिप्स है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पर अलग अलग साइज मैंने दिया। यहाँ पर फाइल में जाना, बहुत छोटा सा ऑप्शन है, ऑटो एक ऑप्शन है। यहाँ पर जाना कॉन्टेक्ट शीट, कॉन्टेक्ट शीट पर जाएंगे आप, यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, फोल्डर यहाँ पर जो जहाँ पर आपके सारे इमेजेस रखे हुए हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे सारे एक फोल्डर में पास एग्जाम से सारे इमेज मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, फोल्डर के अब देखना, फोल्डर यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा, अपना पाथ दूंगा, आपको चूज़ करके मैंने अपना पाथ अपना ये दे रखा है। ठीक है, पाथ देना जरूरी है। इसके बाद आपको साइज़ कितना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे बाई डिफॉल्ट बाई लाइक 8x10 होता है, मैंने पे 15x10 किया यहाँ पे। ठीक है, 8 बिट करना है 8 बिट कर सकते हो, 16 बिट करना 16 बिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेजोल्यूशन आपका 300 है, कोई वो नहीं। ठीक है, आपको इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलम है, अभी आपको कैलकुलेट करना है कि आपको एक कॉलम में कितना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे चाहिए लाइक एक लाइक रॉ 4 चाहिए, कॉलम 3 चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ओके कर दिया। यहाँ पे ओके करते ये सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप ये सब चीज़ को अरेंज कर देगा। तो कैसे आप चीज़ों को लाइक अरेंज करके प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ये बहुत ही सिंपल से टिप्स है। लाइक विद इन सेकेंड आप चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो, ये सब कुछ प्रॉपर अरेंज करके विद नेमिंग सब कुछ यहाँ पे मैनेज कर देगा। तो इस टाइप से हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें अपने सारे इस टाइप के इमेज के कोलाज को। थैंक यू गाइस।